अभी खाने में जा रही हूँ चने की दाल और दूधिया बनाने। तो यहाँ पे चने की दाल भिगा दी थी एक घंटा पहले, भिगा के पानी में से निकाल ली हूँ। और दूधिया को अच्छे से धो के काट ली हूँ पतला पतला। अभी मसाले में ये सब बघार में डालूंगी, काली मिर्च, लौंग, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, चक्री फूल और प्याज। और यहाँ पे पीसी हूँ लहसुन, अदरक, प्याज, इसमें डालूंगी सूखा मसाला, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये तेल गरम हो जाएगा, हो गया है। अभी ये सब गरम मसाला, खड़ा मसाला सब जो है वो सब डाल दूंगी। अभी ये प्याज भी इसी में डाल देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, लाल जब तक लाल नहीं होगा तब तक फ्राई करना है इसको। लाल हो गया है जो मसाला मिलाकर रखी थी, अभी वो डाल दूंगी। नमक डाल देंगे इसमें। मसाला अच्छे से भुना गया, अभी वो चने का दाल जो भिगा के रखी थी वो डालूंगी। डाल के अच्छे से मिला लूंगी। अभी थोड़ी देर ये भून ली हूँ, अभी इसमें दूधिया डाल दूंगी। तीली भरा हुआ लग रहा है, अभी 2 मिनट में एकदम थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि दूधिया में पानी छूटता है ना तो पक के एकदम थोड़ा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के अच्छे से
मिला दूंगी। इसको अब स्लो ताव पे पकने को छोड़ दूंगी 10 मिनट ढक के। देखिए सब्जी बन गई है। ये सब्जी बहुत अच्छा बनता है। इसको 15 मिनट स्लो ताव पे बनाई हूँ। अब इसमें कोथमीर डाल दूंगी, धनिया का पत्ता डाल के इसको मिला दूंगी। बस ये बन गई है। अब गैस बंद कर दूंगी। इसकी सब्जी बहुत अच्छा बनता है।